कि ई लेटर वाले अडानी स्टॉक्स पे थोड़े से प्रेशर है। हालांकि आज खबरें बहुत सारी हैं अडानी ग्रुप को लेकर। एक तो तीन शेयर उनके एसएम से बाहर आए हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई शुक्रवार को हो रही थी वहाँ कुछ हुआ नहीं, फिर सोमवार तक के लिए टाल दिया। लेकिन उसके पहले सीबी ने एक रिजवाइंडर दिया है कि अडानी ग्रुप की जो मामले हैं, जो लेन देन है, उसकी जाँच करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और उसके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। वो 3 महीने में शायद संभव नहीं हो पाए। 6 महीने का समय मांगा है सीबी ने। आज सुनवाई होती है, देखते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आता है। लेकिन QIP भी करने वाला है अडानी इंटरप्राइजेस, करीब करीब 12,000 करोड़, 12,500 करोड़ रुपए के आसपास का। तो फिर से एक पूंजी जुटाने वाले प्रक्रिया की शुरुआत कर रही है अडानी इंटरप्राइजेस। 12,500 करोड़ का QIP करेगा, अडानी ट्रांसमिशन 8,500 करोड़ रुपए के आसपास की QIP करेगा। तो इन टोटल 21,000 करोड़ रुपए की QIP का प्लान है ग्रुप का। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में कमजोरी है। इनफैक्ट निफ्टी का ये टॉप लूजर है। हालांकि ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये शेयर चला हुआ था लोअर लेवल से, फिर से ऊपरी स्तरों के आसपास प्रेशर आ रहा है 2,000 रुपए के भाव के आसपास जाकर। अडानी इंटरप्राइजेस इसमें संतोष आपका क्या व्यू होगा? क्योंकि देखिए फिर से 2,000 रुपए के ऊपर निकला, फिसलते फिसलते 1,900 रुपए के आसपास फिर से आ गया। क्या लगता है कि चार्ट थोड़े से और वीक हो सकते हैं यहाँ से? थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। हाँ अभिषेक, अडानी की बात करें तो ये 2,000 से 2,100 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस वजह से यहाँ पे पॉज ले रहा है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक में अब धीरे धीरे बेस बनने की कोशिश कर रहा है 1,800 के आसपास, और स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो जब तक कि अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, जो अभी करीबन 1,880 के आसपास है, चांसेस है कि शायद ये ऊपर का मुंह दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी बने रहना चाहिए, अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो 1,880 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि ऊपर में अगर जैसे ही ये 2,100-2,200 की रेंज निकालेगा, हमको 2,400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ द इसमें जो इश्यूज रहते हैं उसकी वजह से फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी है 1,880 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकता है। अडानी एंटरप्राइज फिलहाल होल्ड की राय आ रही है 1,880 का, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।